नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबर कोरबा से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 3 टन वजनी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से किया गया है। यह प्रतिमा जमीन से 12.5 फीट ऊंची है। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित की और राजीव गांधी अमर रहे के नारे भी लगाकर सभी लोगों का उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने उन्हें सूत का धागा पहनाकर उनका स्वागत किया। तो ये तस्वीरें जहां पर सीएम बघेल का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का प्रतिमा का अनावरण सीएम बघेल द्वारा आज किया गया है कोरबा में। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल ने राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। खबर कोरबा से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम रंजुना स्थित भेंट मुलाकात स्थल पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण एवं छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इस अवसर पर सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, जिले के प्रभारी मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री जय सिंह अग्रवाल, विधायक श्री मोहित क्रिकेटा और पूर्व विधायक श्री बोधराम कन्वर, कटघोरा विधायक श्री पुरुषोत्तम कन्वर भी मौजूद रहे। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे और इस दौरान भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत कोरबा में की गई। सीएम के साथ कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। तो इस दौरान आम जनता की भी भारी संख्या जो है वो देखने को मिली। इस दौरान सीएम के साथ कई गणमान्य लोग भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मौजूद दिखे और कार्यक्रम की शुरुआत सीएम ने दीप प्रज्वलित कर की। आगे बढ़ेंगे, खबर बिलासपुर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग और आईएमसी ने केंद्रीय जेल में बंदियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, सहायक विजय सिंह जिला अस्पताल से आए और का आयोजन किया गया, जहां पर बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग और आईएमसी ने केंद्रीय जेल में बंदियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अनिल श्रीवास्तव, सहायक विजय सिंह जिला अस्पताल से आए चिकित्सकों और विशेषज्ञों कैदियों की जांच की गई, जिसमें चर्म रोग, नेत्र रोग, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट समेत अन्य जांच की गई है। और इस दौरान अधीक्षक उमेश मंटावी, उप अधीक्षक आरआर राय और सहायक जेल अधीक्षक एके बाजपाई और अन्य स्टाफ भी मौजूद दिखे। तो स्वास्थ्य विभाग का आईएमसी इस दौरान मौजूद रहे और 987 कैदी लाभान्वित हुए हैं इससे, जिनका इलाज कराया गया, जहां पर स्वास्थ्य शिविर का जेल में आयोजन किया गया था। इस दौरान तमाम जो कैदी थे उनके स्वास्थ्य का इलाज किया गया और इस दौरान जो विभिन्न प्रकार के रोग जो कैदियों के थे उसका इलाज किया गया है। तो करीब 987 कैदी लाभान्वित हुए हैं इस शिविर से और तमाम कैदियों की आज डॉक्टरों द्वारा जांच की गई। आज मेगा स्वास्थ्य रखा गया है, जिसमें चर्म रोग, एमडी मेडिसिन, डेंटल, हड्डी, ईएनटी, आईस का, स्त्री रोग, अवशिष्ट रोग, गैस्ट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी के शहर के विभिन्न अस्पतालों के, अपोलो हॉस्पिटल, सिम्स के और सेंद्रीय हॉस्पिटल के चिकित्सक लोग आए हैं, जो रिजल्ट बंदियों के जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका
कंटिन्यू करेंगे और नए ऑर्गन भी जो अपने नया बीमारी बताएंगे उनको आने के लिए। हम जीत 6 दिवसीय जन सुविधा शिविर का समापन हुआ है, जिसमें धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मंत्री कवासी लखमा को आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से पहुंचे जन सुविधा शिविर में 643 राशन कार्ड, 720 आधार कार्ड बने। आपको बता दें कि जिले के कोंटा ब्लॉक के धूर नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत चिमली पेंटा, कुंदेड़, मोरपल्ली, एमपल्ली, कामाराम, नाकाराम, केरला पेंटा, मुकरम के गांव के लिए आयोजित 6 दिवसीय जन सुविधा शिविर का समापन हुआ। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की योजनाएं और उसकी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने 15 साल के कार्यकाल में बस्तर के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना तो दूर मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं करा पाई। ग्रामीणों के पास राशन और आधार कार्ड नहीं होने से वे अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है। तो चिंतलनार में आयोजित 6 दिवसीय जनसुविधा शिविर का समापन हुआ है, जिसमें धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मंत्री कवासी लखमा हेलीकॉप्टर से पहुंचे। जनसुविधा शिविर में 643 राशन कार्ड, 720 आधार कार्ड बने। आपको बता दें कि जिले के कोंटा ब्लॉक के धूर नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत चिमली पेंटा, कुंदेड़, मोरपल्ली, एमपल्ली, कामाराम, नागाराम, केरला पेंटा, मुकरम के गांव के लिए आयोजित 6 दिवसीय जनसुविधा शिविर का समापन हुआ। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की योजनाएं और उसकी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने 15 साल के कार्यकाल में बस्तर के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना तो दूर मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई। ग्रामीणों के पास राशन और आधार कार्ड नहीं होने से वे अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है। जिला मुख्यालय में जिले के सर्व विभाग के संविदा कर्मचारियों द्वारा 5 दिवसीय निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि यह प्रदर्शन गरियाबंद के हृदय स्थल गांधी मैदान में की जा रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य नियमितकरण को लेकर है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार को संविदा कर्मचारियों द्वारा नियमितकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी। जिला मुख्यालय में जिले के सर्व विभाग के संविदा कर्मचारियों द्वारा 5 दिवसीय निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन गरियाबंद के हृदय स्थल गांधी मैदान में की जा रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य नियमितकरण को लेकर है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार को संविदा कर्मचारियों द्वारा नियमितकरण की मांग को लेकर के 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी। हमारी सरकार जैसे ही आएगी 10 दिनों के भीतर हम नियमितीकरण करेंगे। आज तक के वो जो 10 दिन है शासन का, वो अभी तक के वापस नहीं आए हैं और अभी तक के नियमितीकरण के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, जिस वजह से ये हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है और सभी विभाग मिल करके एक मंच पर आकर के अपनी मांगों को रख रहे हैं शासन से, जो शासन ने वादा किया था। सभी की ये आशा है कि शासन जल्दी ही उनके वादा को पूरा करे, लेकिन आज 4 साल हो गया है हमको इस जगह पे मजबूर होना पड़ रहा है और अपनी मांगों को रखना पड़ रहा है। सर, हम संविदा कर्मचारी हैं और हमारे द्वारा पहले भी इस बारे में निश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, जिसके द्वारा घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि सरकार आने के 10 दिन के बाद हमारे जो संविदा है उनको नियमितीकरण किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं किया गया। 1 साल बाद के लिए कहा गया परंतु उसके बाद भी नहीं किया गया। अब पुनः चुनाव आने की स्थिति है, परंतु अब तक कोई भी ऐसा कार्यवाही पूरा नहीं किया गया है, इसलिए हम पुनः हड़ताल पर बैठे हैं ताकि हमारी मांगों को दृष्टिगत करते हुए इसको पूरा किया जाए। एमसीबी जिले के जनकपुर में आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने के लिए दिन भर रेस्क्यू किया गया, जहां ड्रोन कैमरे की मदद से खोजा गया है। आदमखोर तेंदुए ने चकमा देकर जंगल की ओर भागने में सफल रहा। मौके पर रायपुर से पीसीसीएफ और बिलासपुर कानन पेंटारी के डॉक्टर पी चंतन और सरगुजा से वन संरक्षक वन्य प्राणी और आगे आर बढ़ई और क्षेत्र के विधायक गुलाब
कमरो भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि जनकपुर क्षेत्र में तेंदुओं के हमले से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तेंदुआ दिखने पर लोगों में हड़कंप मच गया। ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुओं को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है और रेस्क्यू टीम को चकमा देकर तेंदुआ मौके से फरार हो गया था। तो तेंदुआ मौके से देखकर फरार हो गया था और ऐसे में फिलहाल तेंदुओं को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वन विभाग को चकमा देकर तेंदुआ मौके से फरार हो गया। तो एमसीबी जिले के जनकपुर में आदमकद तेंदुओं को पकड़ने के लिए दिन भर रेस्क्यू किया गया, जहां ड्रोन कैमरे की मदद से भी खोजा गया। आदमकद तेंदुए ने चकमा देकर जंगल की ओर भागने में सफल रहा। मौके पर रायपुर से पीसीसीएफ और बिलासपुर कानन पेंडारे के डॉक्टर पी चंदन और सरगुजा से वन संरक्षक वन्य प्राणी आर बढ़ई और क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरू भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि जनकपुर क्षेत्र में तेंदुए के हमले से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। महीने हो गए जिसमें 4 लोगों को अटैक किया, जिसमें 3 लोगों का जान गया, एक बच्चे को बचाया गया है। इसकी जानकारी मैंने विधानसभा में माननीय मंत्री जी को दिया था। इसके बाद से एक टीम कांकेर की आई हुई थी, यहाँ पर काफी मशक्कत के बाद वहाँ पर देखा गया कि 2 बच्चों के साथ यहाँ पर तेंदुआ विचरण कर रहा है। तो इसके बाद गए तो पकड़ में तो आया नहीं, फिर लगातार देखे कल ही फिर जानकारी लगा, एक दिन गए नहीं कि जानकारी लगा, फिर अटैक किया, एक लोगों का डेथ हुआ। तो इसकी जानकारी कल मैं हमारे वन विभाग के अधिकारी, चाहे सीसीएफ के हो, चाहे पार्क हो, वाइल्ड लाइफ के सारे अधिकारियों के बाद मैंने रात में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी पूरी दी। इनका जो किल हुआ रात सुबह 8:30 बजे जो तेंदुआ लोगों ने देखा है, उससे कम से कम क्लियर हो रहा है कि बिना बच्चे वाला ये तेंदुआ है और उसके लिए केज अपन लगाए हुए हैं, पहले से भी 20-25 दिन से लगे हुए हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, अभी भी यहाँ सामने लगा दिया गया है आप जैसा कि देख रहे हैं। और सुबह एक हाथी जो है रमकोला से आ रहा है, कुमकी हाथी, एक डॉक्टर के साथ, और हमारे डॉक्टर जो मेन इस टीम जो हमने ट्रैंकुलाइजेशन की परमिशन दी है आज, उसके लिए जो है जो डॉक्टर चंदन वेटनरी अपने यहाँ से आए हुए हैं कानन पिंडारी से। और 2 घटना यहाँ पे जनकपुर रेंज में कुंवारी और सिंगरौली में हुआ है, तो इसके लिए पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले निगरानी रखने के लिए कैमरा सेप और पकड़ने के लिए उसमें फेज लगाए थे, लेकिन अभी तक पकड़ने में सफलता नहीं मिली। और अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डीसीएफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा उसको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ने के लिए अनुमति दिया गया है। वही खबर खेड़ से है। महाराष्ट्र में हर साल महाराष्ट्र की सिर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है और इस बार यह खिताब खेड़ के शिवराज राक्षे ने जीता। उन्हें चांदी की गदा और 5 लाख रुपए से नवाजा गया। शिवसेना के बड़े नेता प्रमोद भानगिरे ने अपने कार्यालय में 1 लाख रुपए देकर नवाजा। इस मौके पर शिवराज ने कहा कि वो देश के लिए ओलंपिक में हिस्सा लेंगे और देश के लिए मेडल भी लाएंगे। भानगिरे ने उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वे उन्हें सरकारी नौकरी दिलाएंगे और मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता भी दिलाएंगे। इस मौके पर शिवराज ने हमारे संवाददाता सिद्धेश कर्णावट से खास बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र केसरी हुए, कल जो महाराष्ट्र केसरी हुए वो शिवराज राक्षे इस वक्त है जो हड़पसर में आए हुए हैं। हम शिवराज के साथ बात करेंगे। शिवराज, क्या लगता है आपको, कल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता आप जीते हैं कुश्ती की? बहुत बढ़िया लग रहा है, जो मेरे को आगे का क्या प्रायोजन है? हमने सुना है आप ओलंपिक की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आगे ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल मेरे इसलिए नेशनल में गोल्ड मेडल था, राष्ट्रकुल को मेरी मतलब सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कंधे की चोट से मैं उधर नहीं खेल पाया, लेकिन इस बार का मौका मैं गंवाना चाहता हूँ। हमारे साथ एक तो पुणे के शिवसेना गुट के सबसे बड़े नेता प्रमोद भानगिरे भी हैं, उनके साथ बात करेंगे। सर, क्या कह सकते हैं?
महाराष्ट्र मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं समजलं जाणारी जी काही स्पर्धा असेल ती इथं महाराष्ट्र केसरी आणि यावेळेचे 2022 टीव्हीचे महाराष्ट्र केसरी म्हणून ज्यांनी 2 दिवसापूर्वी जो किताब मिळाला ते आपले महाराष्ट्र केसरी आदरणीय शिवराजजी रापसे त्यांचं सर्वात प्रथम मी बाळासाहेबांच्या शिवसेना पुणे शहराच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो कौतुक करतो. गेल्या 2 दिवसापूर्वी हिंद केसरी आदरणीय अभिनंदनची कटकी आणला मुख्यमंत्री त्यांचं बी ऑलिम्पिकमध्ये त्यांना सहभाग घेता त्यांना शासकीय मदत मिळेल त्या धर्तीवर आम्ही पुढच्या आठवड्यात लवकरात लवकर महाराष्ट्र केसरी आदरणीय शिवराजजी रापसे त्यांचे सीएम साहेब लवकरात लवकर सत्कार ठेवून त्यांच्या पुढील काळात त्यांच्या ऑलिम्पिकमध्ये असन पुढे हिंद केसरीसाठी असन त्याच्यासाठी तर आमचे सर्वपूर्ण शुभेच्छा आहेत. पण अजून शासकीय मुख्यमंत्री साहेबांकडे जी काही आर्थिक मदत करते त्यासाठी आम्ही नक्कीच पाठपुरावा करेल. मी सर्वांच्या वतीने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र केसरी शिवराजी रापसेंचं मनापासून कौतुक करतो. असंच त्यांनी महाराष्ट्र संपूर्ण देशात भविष्यकाळात त्यांनी कुस्ती क्षेत्रात नाव कावं अशा प्रकारच्या शुभेच्छा दिल्या. तो ये थे शिवराज रापसे जिन्होंने कल महाराष्ट्र केसरी जीता है और ये थे प्रमोद भानगिरे जिन्होंने उन्हें सम्मानित किया है. कैमरामैन संतोष देवकर के साथ हर खबर पुणे. खबर रायपुर से है जहां ग्रामीणों ने विधायक सत्यनारायण शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया. बता दें कि ग्रामीणों ने राजधानी के कबीरनगर सामुदायिक भवन में केक काटकर विधायक सत्यनारायण शर्मा का जन्मदिन मनाया. इस मौके पर विधायक सत्यनारायण शर्मा को लड्डुओं से भी तोला गया. साथ ही सत्यनारायण शर्मा ने नागरिकों को शॉल और कंबल वितरित किए. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से अब जनता की सेवा पहले की तरह नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अब पंकज शर्मा को सेवा करने का अवसर दें. तो बिलासपुर के नेहरू चौक पर धर्मांतरण और रसूखा के विरोध में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विरोध करने वालों पर छत्तीसगढ़ सरकार रसूखा लगाने जा रही है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्य योजना के तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान सभी पदाधिकारी मौजूद रहे. तो सभी पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे. धर्मांतरण के मुद्दे पर आपको बता दें कि लगातार विरोध किया जा रहा है और इस दौरान सभी पदाधिकारी मौजूद रहे. तो बिलासपुर के नेहरू चौक पर धर्मांतरण पर रासुका के विरोध में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विरोध करने वालों पर छत्तीसगढ़ सरकार रासुका लगाने जा रही है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्य योजना के तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान सभी पदाधिकारी मौजूद रहे. खबर बिलासपुर से है जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है लेकिन कांग्रेस सरकार मानने को तैयार नहीं. धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही कर रही है, इतना ही नहीं धर्म संस्कृति को भी बिगड़ रही है. तो खबर बिलासपुर से है जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है लेकिन कांग्रेस सरकार मानने को तैयार नहीं. धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है और इतना ही नहीं धर्म संस्कृति को भी बिगाड़ रही है. तो धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है और इतना ही नहीं धर्म संस्कृति को भी बिगाड़ने का आरोप लगाया. तो खबर बिलासपुर से जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है लेकिन कांग्रेस सरकार मानने को तैयार नहीं. धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी, इतना ही नहीं धर्म संस्कृति को भी बिगाड़ रही है. का विरोध करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार रासुका लगाने की तैयारी कर रही है. तो धर्मांतरण और रासुका का विरोध करने के लिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज एक कार्ययोजना के तहत
पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले का भी आज का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जैसा सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह बिगड़ी हुई है और कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये आरोप लगाती बोलती रही है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन सरकार कभी मानने को तैयार नहीं थी। धर्मांतरण खबर बिलासपुर से, जहां राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के विरोध में आगे आने वालों पर आंसू लगा रही है और सत्ता पर फिर से आना चाह रही है। राज्य सरकार भोले भाले आदिवासियों को फंसाना चाह रही है और अपनी बातें रखने से रोक रही है। साथ ही कहा कि 2 जनवरी को विधानसभा सत्र में रासुका की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि 1 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया। तो राज्य सरकार के तरफ से रासुका लगा दिया गया है और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के विरोध में आगे आने वालों पर रासुका लगा रही है और सत्ता पर फिर से आना चाह रही है। राज्य सरकार भोले भाले आदिवासियों को फंसाना चाह रही है और अपनी बातें रखने के लिए रोक लगा रही है। साथ ही 2 जनवरी को विधानसभा सत्र में रासुका की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि 1 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया था। महामंत्री सम्मानी घनश्याम कौशिक जी, सम्मान जी जिस उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश मंत्री योगेश अग्रवाल महिला मोर्चा की अध्यक्ष चौधरी जी अनुसूचित जाति के आदिवासी महापौर तमाम चीजें जनवरी को विधानसभा सत्र चालू था तब उन्होंने इसकी जानकारी प्रदेश को नहीं दी, सदन को नहीं दी। 1 तारीख से लागू है तो ऐसे बहुत सारे अनुचित प्रश्न हैं जो इस सरकार की मंशा से नियंत्रित। खबर बिलासपुर से, जहां व्यापार मेला में व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहरवासियों की भीड़ उमड़ रही है और इन दिनों बिलासपुर में हो रहा व्यापार मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने मुग्ध किया। वहीं स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का मेले में आए लोगों ने आनंद लिया। आपको बता दें कि व्यापार विहार में आयोजित राष्ट्रीय व्यापार मेले के आयोजन से पूरे शहर में खुशी का माहौल दिख रहा है। सुबह से शाम तक जहां दिन भर लोगों की चहल पहल रही, तो वहीं जैसे जैसे शाम ढलती गई वैसे वैसे मेले की रौनक में खुशियों की रोशनी बिखर दी गई। रविवार के दिन लाखों की भीड़ ने मेला की सफलता की कहानी एक बार फिर से दोहराई है। मेले की चमक से पूरा व्यापार बिहार का कोना कोना रोशनी से एक बार फिर से जगमगा उठा। 3 साल बाद आयोजित राष्ट्रीय व्यापार मेले को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सक्षम संगठन ने दिव्यांग बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ी गीतों पर सामूहिक नृत्य से समा बांधा। दिल्ली से कैसा रहा 4 दिन का रिस्पॉन्स? नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा, बहुत अच्छा। कितना यानी कि आप माल लेके आए अभी तक? नहीं, माल तो काफी अभी और बिका भी है, अच्छा रिस्पॉन्स भी है, कल लोगों के अच्छा है, आज भी। तो कैसे लगा आपको कि यहाँ का ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आने वाले वर्षों में भी जब भी लगेगा काफी आने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद जड़ी बूटी इस तरह से बहुत से लोग आए हैं, काफी झूले और मेले भी लगे हैं और त्रिवेणी भवन के हाल में प्रतिदिन नगर के विशिष्ट जनों के द्वारा विशिष्ट शहर के विशिष्ट लोगों को आमंत्रित कर हम अतिथि के रूप में उन्हें बुलाते हैं और प्रतिदिन अलग अलग सांस्कृतिक कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन नियमित चल रहा है। अभी भी आप पीछे आवाज सुन रहे हैं, इस्कॉन की हरि राम कीर्तन कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद हमारे चारों विश्वविद्यालय के कुलपति जी आएंगे और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के क्षेत्र में जो निवास समाज के विविध समाज है उन समाजों के
संगठनों का सम्मान है। इस तरह से यह अनवरत 17 तक चलेगा और ये 13 तारीख से लगातार यहाँ जारी है। राष्ट्रीय व्यापार मेला जो आयोजन हो रहा है, आयोजन समिति के प्रबंधक सदस्यों ने बहुत ही खुशी जाहिर की है कि जैसा हमको उम्मीद था उससे कहीं बढ़ चढ़ के हमको रिस्पांस मिला है। कल रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, लाखों की संख्या में लोग आए और पूरा परिवार के साथ एंजॉय किए, खरीदी की, सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और बहुत ही खुशी के साथ लोग यहाँ पे एंजॉय किए। चलिए इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में हिस्सा देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे जैसा कोई दूसरा।